सबसे ताजा तरीन उदाहरण मिला होगा, दादरी की घटना हुई और पूरे देश के दुनिया में उसकी निंदा हुई और सबने ये महसूस किया कि अचानक रात को 10:30 बजे इतनी बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में भीड़ इकट्ठी नहीं हो जाती। कोई पूर्व नियोजित था, वेल थॉट आउट प्लान था, उसके अंतर्गत लाउड स्पीकर पर पहले बताया गया, इकट्ठा किया गया, फिर मोहम्मद अखलाक के घर का इशारा किया गया कि वहां पर गाय कटी और वहां पर गोमांस रखा है आदि आदि, और तब भीड़ ने जाकर के जाके उस बेचारे मोहम्मद अखलाक को पीट पीट करके मार डाला। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज कह रही है कि वो प्री मेडिटेटेड था, पहले से एक कॉन्स्पिरेसी के अंतर्गत हुआ, साजिश के तहत हुआ, जिसको घटना के तत्काल बाद वहां के जो मेंबर पार्लियामेंट एंड ऑल्सो यूनियन मिनिस्टर फॉर कल्चर कहा एक्सीडेंट था, और एनसीएम की रिपोर्ट कह रही कि वो एक्सीडेंट नहीं था। मैंने उनका बयान पढ़ा तो कहते एक्शन का रिएक्शन होता है। तो इस तरह की गलत बात कहने वाले व्यक्ति उनकी कैबिनेट में मौजूद है। मुझे बहुत ताज्जुब है इस बात के लिए, बहुत ही तकलीफ होती है इन सब चीजों के लिए। जो उधमपुर से जो ट्रक आ रहे थे उनके ऊपर जिस प्रकार से हमला हुआ और जाहिद नाम के हमारे नौजवान की हत्या हुई वहां, कश्मीर का वो नौजवान और उसकी हत्या वहां पर होगी ट्रक के ऊपर पेट्रोल बम डाल करके, इस तरह की तमाम घटनाएं जो देश के अंदर हो रही हैं, मैं उनकी सबकी निंदा करता हूं। वो हत्या यदि कोई सचमुच में भी कर रहा हो, सचमुच में सामने यदि कोई गाय काट रहा हो, मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं उसको गोली मार दूं या उसको हथियार गंडा से काट दूं। मेरा अधिकार सबसे बड़ा बनता है, मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगा। यदि गैर कानूनी ऐसा काम करना, कोई ट्रक में ले जाना, मुझे शक हुआ, जो लोग शक के आधार पर ही इस तरह से मार काट कर रहे हैं वो दरिंदगी दिखा रहे हैं, वो अपराधी हैं, वो देश को तोड़ने की साजिश में शामिल हैं। मैं इसकी उनकी निंदा करता हूं और इसकी कोई इजाजत नहीं दे सकता, कोई सभ्य समाज नहीं दे सकता और भारत का संविधान नहीं दे सकता। और मोदी जी से ये उम्मीद करता हूं कि वो जो बोलते हैं उसको थोड़ा ईमानदारी से बोल के दिखाएं, दिल से आवाज आ रही है ऐसी कुछ चीज बताएं। अभी ये भरोसा देश को नहीं हो रहा है कि वो जो कह रहे हैं वो दिल से कह रहे हैं, ईमानदारी से कह रहे हैं।